हाय गाइस, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट एंड्रॉइड ऐप्स ऑफ द मंथ। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि जो ऐप्स मैंने बताए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल हैं। आपको एक बार इन ऐप्स को जरूर डाउनलोड करके एक बार यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। वो मैंने पहले ही बहुत सारी ऐसी एपिसोड्स बना चुका हूँ टॉप 5 बेस्ट ऐप्स ऑफ द मंथ और गेम्स, तो आप उन्हें भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, हमारी लिस्ट में जो पहला ऐप है उसका नाम है पबजी कंपेनियन। तो अगर आप पबजी के बिगनर हैं तो ये ऐप आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि आपको इसमें मतलब बहुत सारे मतलब फीचर मिलते हैं। जैसे आप अगर आपको पता नहीं है कौन सा वेपन ज़्यादा नुकसान करता है, और आपको मतलब यहाँ पे जो प्ले जोन रहती है उनके मैप्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे देख रहा हूँ, सिंपली आपको नीचे लिखा रहा है बेस्ट गन। तो यहाँ पे सारी गन्स उनकी आप यहाँ पे मतलब रेटिंग्स, और आप गन के बारे में जान सकते हैं पबजी में, अगर आपको गन मिलती है, और हेलमेट और कार, कौन सी कार फास्ट चलती है, सारी चीज़ें आपको इसमें इस ऐप में देखने को मिल जाती है। तो बहुत ही बढ़िया ऐप है, आपको एक बार ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी रेटिंग, और रेटिंग मिलती है 10 में से, तो आप रेटिंग्स के हिसाब से भी गन को देख सकते हैं इसमें। और यहाँ पे कार और बम और बहुत सारी चीज़ें, आप यहाँ पे हेलमेट मतलब जो भी चीज़ आपको पबजी में मिलती है आप मतलब ख़राब वाली ले लेते हो इसलिए हार जाते हो। तो ये आपको एकदम बेस्ट चीज़ बताता है कि कौन सी बेस्ट चीज़ लेना चाहिए, और यहाँ पे सारे मैप्स मिल जाते हैं आपको सारी प्लेसेस उनके। तो ये ऐप आपको ज़रूर एक बार डाउनलोड करके ट्राई करना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम अपने लिस्ट के अगले ऐप की तरफ। हमारे लिस्ट में जो अगला ऐप है उसका नाम है वॉल्यूम पी। तो ये जो ऐप है आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि इस ऐप की मदद से आप वॉल्यूम आप एंड्रॉयड पी की तरह वॉल्यूम एनिमेशन ला सकते हैं अपने किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में। तो ये उन लोगों के लिए है जो एंड्रॉयड पी चाहते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल में और उस तरह एनिमेशन चाहते हैं। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अनेबल कर लीजिए इसे, और आप देखेंगे कि आपके एंड्रॉयड मोबाइल में एंड्रॉयड पी की तरह। तो बहुत ही अमेजिंग लगता है ये, आपको एक बार इसे ज़रूर डाउनलोड करके देखना चाहिए। आपको सारे फंक्शन इसमें एंड्रॉयड पी के मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं एंड्रॉयड पी की सारी एनिमेशन है, रिंग, बायोरेट। तो ये ना सिंपली क्विक एक्शन करता है ये एनिमेशन, तो वॉल्यूम एनिमेशन आप इसे ला सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लिस्ट के अगले ऐप की तरफ। हमारे लिस्ट में जो थर्ड ऐप है उसका नाम है रेन ड्रॉप लाइव वॉलपेपर। तो ये लाइव वॉलपेपर है, आप इसे एनेबल कर लीजिए तो आप यहाँ पे देखेंगे कितना बढ़िया वॉलपेपर है। तो ये बहुत अमेजिंग वॉलपेपर है, आप एक बार आपको ज़रूर ट्राई करके देखना चाहिए। आप देख सकते हैं एकदम आपको असली मतलब ग्लास पे अगर रेन ड्रॉप एकदम असली ऐसा लगता है। तो ये वॉलपेपर एकदम लाइव वॉलपेपर एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। एक बार आपको इस लाइव वॉलपेपर को ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए, और एक बार आपके एंड्रॉइड मोबाइल में ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हमारे लिस्ट की जो फोर्थ ऐप है उसका नाम है हाई टच। तो ये बहुत ही यूज़फुल ऐप है, आपको इसे तो ज़रूर से डाउनलोड कर ही लेना चाहिए, अभी डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको मतलब इसमें आपको बहुत सारे मल्टीटास्किंग और मतलब बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं इस ऐप में। तो सबसे पहले आपको सारी परमिशंस देनी पड़ेंगी, इसे अनेबल कर लीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी गाइड पे जाके कि क्या क्या करता है। तो आपको यहाँ पे इसे मतलब जेस्चर्स भी मिलते हैं, जिससे आप सिंपली एक टच में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं अनेबल कर दिया है, और यहाँ पे आपको एक सर्कल मिल जाता है, देख सकते हैं ये सर्कल आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। आपको ये आप इस पर दबा कर रखते हैं तो ये देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेता है। और मतलब आपको मतलब कुछ भी सर्च करना है, किसी वेबसाइट पे जाते हो आप पर तो आपको उस पर सिंपली ड्रैग करना है, और सर्च पे मतलब बहुत सारे फंक्शन आपको नीचे दिख जाते हैं, सर्च और सेव। तो आप ये मतलब वॉलपेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, किसी की इमेज से किसी की फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली एक क्लिक में। तो इस तरह से ये आपके लिए यूज़फुल है, यहाँ से आप किसी भी लिंक कॉपी कर सकते हैं अगर लिंक, और यहाँ से आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग एक ही बार में कर सकते हैं इस ऐप से। यहाँ पर आप अपने ऐप्स खोल सकते हैं सिर्फ वन टच से। तो बहुत ही यूज़फुल ऐप है, आपको ज़रूर से डाउनलोड करना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम अपने लिस्ट की अगली ऐप की तरफ।
हमारे लिस्ट की जो आखिरी ऐप है उसका नाम है म्यूजिक आना। तो एक म्यूजिक प्लेयर है और ये म्यूजिक प्लेयर बहुत ही यूनिक और बहुत ही बढ़िया है। आपको इस म्यूजिक प्लेयर को जरूर से अभी डाउनलोड कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे सेक्शंस तो मिल ही जाते हैं, ऑनलाइन प्लेलिस्ट, एल्बम, आर्टिस्ट, तो ये सारे तो मिलते ही हैं। तो अगर आप इसमें कोई सा म्यूजिक आप चलाते हैं तो आपको इसमें मतलब सेट कर सकते हैं, मतलब आपको कैसा सुनना पसंद है, जैसे म्यूजिक हॉल, मीडियम, लार्ज हॉल और रूम, ऐसे आप कर सकते हैं। और जैसे मैंने एक गाना लगा दिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं गाना चल रहा है और यहाँ पे आप हम जाते हैं और इसे मैं आपको सेट करके बता देता हूँ। इक्वलाइजर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप पूरा मतलब आपको जैसा पसंद है आप यहाँ से सेट कर दीजिए। और आपको ईयरफोन लगा के सुनना चाहिए, बहुत ही बढ़िया बेस और ये सब आता है इस म्यूजिक प्लेयर से। तो ये वाला फीचर आपको बहुत कम म्यूजिक प्लेयर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये म्यूजिक प्लेयर बहुत ही यूनिक और अभी आपको इस म्यूजिक प्लेयर को जरूर से ट्राई करना चाहिए। तो आई होप ये सारे ऐप्स आपको जरूर से पसंद आए होंगे। तो ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ और मैंने पहले भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप उन्हें जाकर जरूर से चेकआउट करिए, आपको वो भी पसंद आएंगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।